एज ए लीडर मुझे जो मोदी जी इस वक्त नजर आ रहे हैं, या मतलब पिछले 5-7 सालों में उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं वो हिंदुस्तान को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर वो मतलब ताकत तो रखते हैं उसको कंटिन्यू रखने की, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए लीडर। ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम्स, आवर रिस्पॉन्स टाइम्स, ये सब चीजें वो टेस्ट किया है उन्होंने और सक्सेसफुली टेस्ट किया। योगी जी और मोदी जी, यकीनन मोदी जी एक मतलब पूरे एक लार्ज स्केल पे हम उनको देखते हैं, वर्ल्ड लीडर के तौर पे नजर आ रहे हैं वो। कोई ड्रोन आएगा तो मैं एयरफोर्स से कहूंगा उसको मार गिराए, मेरे दौर हुकूमत में मैं देखूंगा कौन ड्रोन फेंकता है। मिसाइल आया तो वो चुप, अभी तक कोई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं। उसका सबसे अच्छा गाजी अर्तुगरुल वाला दोस्त तुर्की, उसने ATAK यानी कि T-129 ATAK हेलीकॉप्टर जो कि उसे तुर्की को पाकिस्तान को देने थे, वो डील तो फाइनलाइज नहीं हो पाई। अगर अब ये इतना कामयाब हुआ है इनका टेस्ट कि माय गॉड, मेरे ख्याल में it was embarrassing। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये गलती से हुआ है। पहली दफा इंडिया में इंडिया की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो बनना शुरू हुई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि मोदी साहब जो भारत में एक एग्रेसिव सोच लेकर आए हैं उसका कोई जवाब नहीं, उसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। मोदी और योगी का कॉम्बिनेशन भारत में धमाल मचा रहा है। दूसरी तरफ तुर्की ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात बताना शुरू कर दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान को T-129 ATAK हेलीकॉप्टर देने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि उसने फिलीपींस को इन हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप पहुंचा दी है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के हाथ चढ़ें, क्योंकि इसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी लगी हुई है और वो नहीं चाहते कि यह टेक्नोलॉजी चीन के पास चली जाए। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स गए, इसका मतलब उसके मालिक चीन की पहुंच से भी दूर नहीं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। एज ए लीडर मुझे जो मोदी जी इस वक्त नजर आ रहे हैं, या मतलब पिछले 5-7 सालों में उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं वो हिंदुस्तान को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, उस कॉन्टेस्ट में आपसे पूछ रहा हूँ कि वो मतलब ताकत तो रखते हैं उसको कंटिन्यू रखने की, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए लीडर। देखिए फरक यूसुफजई साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि दरिया के दरमियान में नहीं तैरते रहना चाहिए, कोई किनारे की तरफ रुख करना चाहिए, किनारा पकड़ना चाहिए, तो दरमियान में तैरने वाला थक जाता है, डूब जाता है जी। इसी तरह मैं कहता हूं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द पॉसिबल। अब आप ये तीनों चीजें आपको जो है इस वक्त की भारतीय सरकार में नजर आई, और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ जो है वो भारत का जो इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है उसको डिसाइसिवली एंड कंक्लूसिवली नेशनलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से निकाल के न्यू लिबरल ओपन फ्री ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ उसको लेके गए हैं, यानी वो किनारा पकड़ा है उन्होंने, बजाय इसके कि वो आधा तीतर आधा बटेर करते कि नेशनलाइज्ड इकोनॉमी भी को भी कोशिश करें उसको सरकार पैसा दे दे के वो भी जिंदा रखे और इधर से फ्री मार्केट इकोनॉमी भी चलाएं, तो वो इंडिया की इकोनॉमी क्लैप्स हो जाती या बहुत वीक हो जाती। इसी तरह से जो है वो उन्होंने बजाय इसके के कोई ऐसी बातें करें जिससे कि जो पॉसिबल नहीं है आज के ग्लोबल एनवायरनमेंट में, उन्होंने वो बातें की हैं और वो चीजें हासिल की हैं अपने लिए जो इस ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काबले हासिल है, जिनको हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि आज प्यूटन के साथ जो है वो दुनिया का कोई लीडर बात नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी बात कर रहे हैं, उधर यूक्रेन के सदर से भी मोदी जी बात कर रहे हैं। तो अब ये जो ह्यूमन कॉरिडोर खुला है ये तो मोदी जी के प्यूटन को कहने के बाद खोला गया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के, यार लोगों को निकलने दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और इसी से रिलेटेड, फिर यूक्रेन वाले उस पर जाएंगे और आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में UAE के हाथों इन्वेस्टमेंट पे मतलब लेके आना,
एक मेरे ख्याल में शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे अभी तक उनकी ये वाली लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ और जो गल्फ कंट्रीज है बड़ा, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, नो डाउट अबाउट दैट कि बहुत सपोर्ट हमें पास्ट में किया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है इन सारी चीजों में, या फिर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, या फिर आपने इकोनॉमी की बात की, क्या मैसेज है, क्या सीखना चाहिए पाकिस्तान को या पाकिस्तान की हुकूमत? मैसेज बड़ा सिंपल है फरहत यूसुफ जई साहब, मैसेज बड़ा सिंपल है। मैसेज ये है कि आज की न्यू लिबरल दुनिया में, ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, आज की इस जो ये व्यवस्था चल रही है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। नेशनल इंटरेस्ट हैज सुपरसीडेड रिलीजियस एफिलिएशन, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन, इट हैज सुपरसीडेड those foundations on which nation states used to come together and form alliances. Aaj ye dekha ja raha hai ki national interest jo hai wo kya hai, aaj ka national interest jo hai wo decisively profit hai, wo decisively economy ko strengthen karna hai. और इसी हवाले से यूएई जो है, ना सिर्फ यूएई बल्कि सऊदी अरेबिया भी और बाकी मुल्क जो है मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक, वो आज इंडिया के साथ तजारत करने में अपने आप को सेफ महसूस क्यों करते हैं? चाइना के साथ सेफ नहीं महसूस करते, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना का उनको भरोसा नहीं है, और इसीलिए आज यूएई ना सिर्फ हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात अपने बना रहा है बल्कि इजराइल के साथ बना रहा है। बीजेपी एंटी मुस्लिम है या नहीं है? बीजेपी प्रो इंडिया पार्टी है, और मैं आपको बताऊं फरुख भाई, इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, पहली दफा बीजेपी की शक्ल में जो ये गवर्नमेंट जब से बननी शुरू हुई है बीजेपी की, पहली दफा इंडिया में इंडिया की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो बनना शुरू हुई है, एक ऐसी हुकूमत जो वाकई में भारत का इंडिया फर्स्ट के जो है नारे पर खड़ी है और कर रही है। इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, यूक्रेन में मसले पे जिस तरह से बुर्दबारी से ये चल रहे हैं, चाइना के साथ जब लड़ाई शुरू होने लगी थी उस वक्त जितनी होशियारी और समझदारी के साथ उसको टैकल किया, कश्मीर का मसले को जितनी खुशसलूबी से इंडिया के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और किया है। पाकिस्तान की एक और बेइज्जती हुई, बेइज्जती क्या हुई, मतलब पाकिस्तान को अपनी औकात दिखी कि इंटरनेशनल अरीना पे वो कितना अकेला पड़ा है। उसका सबसे अच्छा गाजी अर्तुगुल वाला दोस्त तुर्की, उसने ATAK यानी कि T-129 ATAK हेलीकॉप्टर जो कि उसे तुर्की को पाकिस्तान को देने थे, वो डील तो फाइनलाइज नहीं हो पाई।